सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो गाइस, आज हम लोग और एक नई नोटिफिकेशन की वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ गए हूँ। आज का जो वीडियो है, हमारी टीवीएस एंटोर्क के ऊपर एलईडी इंडिकेटर बल्ब इंस्टॉल करने वाले हैं। जस्ट प्लग एंड प्ले है, पूरा वीडियो देखना। और हमारी जो एंटोर्क की एलईडी बल्ब है, वो टेक्नोकॉन स्टोर से हम लोग ऑर्डर किए थे। 3 से 4 दिन के अंदर ही हमारी घर में डिलीवरी हो गई। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ऐसे ही पैकेज में आया था हमारी एलईडी लाइट। इसके अंदर 6 एलईडी लाइट है, राइट साइड की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ है और सामने 3 है। तो गाइस, हम लोग एलईडी लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके अंदर हैलोजन बल्ब लगाया है पहले से कंपनी फिटिंग। तो हम लोग पहले जो लेफ्ट साइड का इसको है, इसको खोल लेंगे और राइट साइड की खोल लेंगे। और सामने की तरफ 1 है, नीचे की तरफ 2 है। खोलने के बाद तो गाइस, हम लोग अभी जो इंडिकेटर की होल्डर होती है ना, उसको हम लोग खोलेंगे। राइट साइड की तरफ घुमाने से ये जो होल्डर है वो निकल जाएगी। और उसके बाद जो हमारी हैलोजन लाइट होती है ना, इंडिकेटर कंपनी प्रोवाइड करते हैं, वो सामने की तरफ खींचने से वो निकल जाएगी। तो हम लोग जैसे कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही करके चेंज कर सकते हो। तो गाइस, फिटिंग करने टाइम पे राइट साइड की तरफ घुमाने से लॉक हो जाएंगे ए होल्डर। और जो हमारी खुलने के टाइम लेफ्ट साइड की तरफ घुमाने से ये जो होल्डर है ये खोल जाएंगी। आप लोग ट्राई करना। तो इस हम लोगों ने इसका जो फेयरिंग है वो लगा दिया है। हम लोग 4 इंडिकेटर ऑन कर रहा हूँ एलईडी लाइट इंस्टॉल करने के बाद, 1, 2 इंडिकेटर लाइट में। तो गाइस, अभी हमारी पीछे का लाइट लगाने का बारी है। तो कैसे खोलता हूँ देख लीजिए। तो गाइस, हम लोगों ने राइट साइड में लगा दिया एलईडी इंडिकेटर और लेफ्ट साइड में है हैलोजन बल्ब। तो कंपैरिजन करता हूँ कि कौन सा लाइट की ब्राइटनेस अच्छा है। एलईडी लाइट का जो पावर है वो लो कंज्यूम करता है और हैलोजन बल्ब का ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसीलिए पावर कम है। और ये
2 वोल्ट का है, और वो जो हमारा हैलोजन बल्ब है वो 12 वोल्ट का है, उसीलिए इतना पावर कंज्यूम करता है। आप लोगों का बैटरी भी सेफ होगा और ब्राइटनेस जो है एलईडी लाइट का वो अच्छा निकलेंगे। तो गाइस एलईडी लाइट जो इंस्टॉल कर रहा हूँ इसका सेम प्रोसेस है, सामने की तरफ खींचना बाहर की तरफ और एलईडी लाइट अंदर की तरफ प्लग कर देना, हो जाएगा ठीक है। और जो होल्डर है वो राइट साइड की तरफ घुमाने से वो पूरा टाइट हो जाती है। तो गाइस हम लोगों ने पीछे का पूरा एलईडी लाइट चेंज कर दिया, अभी इसको ऑन करता हूँ, देख लीजिए कैसा ब्राइटनेस है। आप लोग कुछ पैसा खर्च करके एलईडी लाइट इंस्टॉल कर लीजिए। तो गाइस चलिए फेयरिंग लगा देते हैं पूरा। तो गाइस हम लोग इसको 4 इंडिकेटर देंगे और देखेंगे कितना ब्राइटनेस है। आप लोग ही देख सकते हो कितना अच्छा क्वालिटी का है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके ले सकते हो। तो गाइस ऐसे ही है, ये फोन का है, इतना अच्छा लुक दे रही है। तो गाइस चलिए आप लोगों को कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। तो गाइस आशा रखता हूँ हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके बल्ब खरीद सकते हो, जस्ट 499 का प्राइस है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की दबाइए नई नई वीडियो आने पाने के लिए। तो गाइस आज के लिए बाय।